रिपोर्ट को देखते हैं और इसमें डॉक्टर ने बताया है कि सबसे पहले तो आपको टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम है, आपके लीवर में स्वेलिंग होगी जिसके कारण आपको बाथरूम ब्लड जैसा आ रहा है बहुत ज्यादा। जो बता रहे कि बाथरूम पूरा सफेद नहीं था, ऐसे पूरा ब्लड की तरह आ रहा था और गर्मी ज्यादा, बहुत ज्यादा इनको गर्मी हो गई थी जिसके कारण इनके लीवर में स्वेलिंग आ गई थी। और जो बता रहे कि जो इनका ब्लड था, खून था, एचपीवी बहुत कम हो गया था, 7 ग्राम और 4 पॉइंट था। और जो बता रहे कि जिसके कारण इनकी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी और इनके सेल भी कम हो गए थे और बहुत ही इन सब प्रॉब्लम के कारण जी बहुत तकलीफ में थे। और इसने कल मुझे रिपोर्ट दिखाई, देखना ये जल्द अच्छी हो जाएगी क्योंकि खुदावंद ने मुझे, उसके रू ने मुझे ऐसे अगुवाई की है, ये फ्री हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। हाँ, खून भी 7 ग्राम आया। कितना चाहते हो खून बताओ, कितना चाहते हो? ये आपके सारे सामने है, बताओ कितना खून चाहते हो? ये सुनो, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो वो उसके लिए कोई रोग राग, ये छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं। बोलो क्या है उसके लिए? कुछ नहीं। इसलिए आप अपनी एक अच्छे मन से उसके साथ रिश्ता बनाकर चलना है, ठीक है? हालेलुया। इस सिस्टर का नाम कुलविंदर कौर है और से चौबाल रोड मालूवाल गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे बता रही कि 15 दिन हो गए थे और जिस सिस्टर की बॉडी में दर्द रहती थी, इनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जे बता रहे कि जे पहले मेडिसिन खा रहे थे फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जे बता रही कि रोज़ ही जे डॉक्टर के पास जा रहे थे और लगातार ही मेडिसिन खाते थे, फिर अपने घर का काम करते थे। और जब बता रहे हैं कि दिन ब दिन प्रॉब्लम इनकी कम नहीं हो रही थी और भी ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, मेडिसिन खाने से भी प्रॉब्लम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था, कोई सुधार नहीं था और टांगों में इतनी ज़्यादा दर्द थी जो बता रहे कि इनकी बर्दाश्त से भी बाहर थी और बहुत ही ज़्यादा जो सिस्टर तकलीफ में थे और जो काम करने में भी इन्हें अभी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही थी। और जो बता रहे इसके कारण इन्हें जो खाना भी नहीं खा रहे थे, नहीं भूख भी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो बता रहे कि जब जो बाथरूम जाते थे तो इनको बाथरूम भी ब्लड की तरह आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। और जो बता रहे उस समय जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, फिर जो बता रहे कि जब इन्होंने फिर टेस्ट कराए क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो बता रहे जब इन्होंने टेस्ट कराए तो जो बता रहे कि डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दी तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम आ गई है। हम उस रिपोर्ट को देखते हैं और इसमें डॉक्टर ने बताया कि सबसे पहले तो आपको टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम है, आपके लीवर में स्वेलिंग होगी जिसके कारण आपको बाथरूम ब्लड जैसा आ रहा है बहुत ज़्यादा। जो बता रहे कि बाथरूम पूरा सफ़ेद नहीं था, ऐसे पूरा ब्लड की तरह आ रहा था और गर्मी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनको गर्मी हो गई थी जिसके कारण इनके लीवर में स्वेलिंग आ गई थी। और जो बता रहे कि जो इनका ब्लड था, खून था, एचपीवी बहुत कम हो गया था, 7 ग्राम और 4 पॉइंट था। और जो बता रहे कि जिसके कारण इनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और इनके सेल भी कम हो गए थे और बहुत ही इन सब प्रॉब्लम के कारण जे बहुत तकलीफ में थे और जे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि मेडिसिन से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जे बता रहे कि इसके कारण जैसे फिर इन्होंने अपना मन बनाया और जे बता रहे जे परमेश्वर के आगे इन्होंने प्रार्थना की कि अभी परमेश्वर ही मुझे इस प्रॉब्लम से अच्छा करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा मेडिसिन तो खा लिए और इतनी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम भी आ गई है तो परमेश्वर ही मुझे आज़ाद करेंगे। और जे सिस्टर बता रहे हैं कि जैसे कि पिछले दिनों में जितनी भी टीम है, वर्शिप टीम, वॉलंटियर और सबकी भवन में मीटिंग थी तो उस दिन जो सिस्टर भी आए थे और जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के साथ इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उसी दिन इनके लिए प्रेयर नहीं हुई तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि कल संडे की मीटिंग है और आपने तैयारी के साथ आना है और विश्वास से आना है और निश्चय कल परमेश्वर आपको हीलिंग देंगे और आपने आप गवाही के साथ खड़े होंगे। और जैसे इनको टीच किया और जो घर से विश्वास और प्रार्थना कर आए
कि कल जो वचन परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपने मुझे दिया है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है निश्चय हमारे जीवन में प्रभावशील होता है। तो जो इन्होंने धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप मुझे फ्री करने वाले हो, कल मैं इस प्रॉब्लम से पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगी। और जब इन्होंने फिर 2 जून की मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन प्रभु भोज था, और जैसे फिर इनके लिए ले एंड प्रेयर हुई थी, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। आपको हुआ क्या पहले बताओ मुझे थोड़ा सा। पापा जी टाइपैड भी है, सोच भी आई है। सोच कहाँ पे आई? पापा जी लीवर च। लीवर में सोच आई? गर्मी में। हाँ? गर्मी में है, तो सेल भी कटे है। गर्मी पड़ गई और सेल घट गए। हाँ जी, तो सोच पैगी लीवर। हाँ? लीवर च सोच भी पैगी ना। इससे आपको क्या होता है? पापा जी सिर भी दर्द हुंदा वा। होर? जदों मैं इतर तोड़दी मेरे पेट जदों हिलदा उदों दर्द हुंदी मैनूं। दर्द होंगी है, तकलीफ है। हाँ जी। कितना का ज्यादा हो? पापा जी खुदा वगाड़ी तो कुछ नहीं है। नहीं, खुदा के लिए तो कुछ नहीं है। आपको कितनी तकलीफ है? हाँ जी पापा जी। इसने कल मुझे रिपोर्ट दिखाई, देखना ये जल्द अच्छी हो जाएगी, क्योंकि खुदामंद ने मुझे, उसके रूह ने मुझे ऐसे अगुवाई की है, ये फ्री हो जाएगी, इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। हाँ, खून भी 7 ग्राम आया। कितना चाहते हो खून बताओ? कितना चाहते हो? ये आपके सारे सामने है, बताओ कितना खून चाहते हो? ये सुनो, ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है तो वो, उसके लिए कोई ये रोग राग, ये छोटी छोटी चीजें कुछ नहीं। बोलो क्या है उसके लिए? कुछ नहीं। इसलिए अपनी एक अच्छे मन से उसके साथ रिश्ता बनाकर चलना है, ठीक है? चलो आंखों को बंद करो। यस खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, तेरी पावर को मैं रिलीज करता हूं। यस खुदा, जो भी शैतान ने इसे रोक दिया, जिस कारण भी दिया, यस खुदा, जिस कारण भी दिया है, मैं तेरी जीवन शक्ति को रिलीज करता हूं। चल शैतान, उखड़ इसके शरीर से, उखड़ इसी शन, तेरा काम मैं अभी तमाम करता हूं यीशु नाम से। छोड़ इसके पेट को, जो तूने इसके खून को कम किया, दर्द दिए, इसके सेल घटाए। चलो खड़, शट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ गंदी आत्मा इसी शन, शट, निकल इसके शरीर से, निकल इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आज्ञा करता हूं, शट इन द नेम ऑफ जीसस, निकल इसकी बॉडी से शीशन। चल रोक देने वाली आत्मा, चल उखड़ 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 शीशन, टूट टूट इसके जीवन से, शरीर से, इसके अंगों से, शट शट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरह से शैतान, तेरे काम को मैं तमाम करता हूं, सिर से लेके पांव तक, सिर से लेके पांव तक, सिर से लेके पांव तक। चल शैतान, इसकी बॉडी से उखड़, बीमारी देने वाली आत्मा उखड़ यीशु नाम से, शट शट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री फ्री फ्री, आमेन। और जे बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, और जे बता रहे उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को छू लिया, और जे बता रहे कि जो कि 15 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, इन्हें भूख भी नहीं लग रही थी। जे बता रहे कि मीटिंग के बाद ही जो ने खाना खाया, इन्हें खाना खाया, और जे बता रहे इन्हें बहुत अच्छा फील हो रहा था उसी दिन ही। और जे बता रहे कि फिर उसी हफ्ते में ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह हील कर दिया था, पर इनकी चाह थी कि जे अपनी रिपोर्ट करा कर ही गवाही देना चाहते थे, पर किसी कारण से रिपोर्ट नहीं करा सके। सुनो सुनो अभी बोलो क्या है? ये प्रभु बोस की मीटिंग पर ये ले हैंड हुई, कितनी तारीख? 2 जून। तो आज कितनी है? 16। तो 2 हफ्ते पहले की बात है, ये 2 हफ्ते हो गए ना, 2 जून से आज 16 है, तो 2 हफ्ते बीत गए। कितने हफ्ते बीत गए बोलो? 2 हफ्ते। तो अभी हमने सुना, तो मैंने तो कहा था कि ये इसी हफ्ते गवाही देंगे, पर हम पिछले संडे
इनकी गवाही देनी आज क्यों दे रहे हैं? सुनो, इसलिए क्योंकि ये एक ड्यूटी करते हैं। बोलो क्या करते हैं अपनी? इन्हें टाइम नहीं लगा। बोलो क्या नहीं लगा? ये तो कह रहे थे कोई बात नहीं दे दो, पिछले संडे बोरे में बिल्कुल ठीक थी, जब यहां से गई 15 दिन से कुछ खाया नहीं, यहां से गए उस दिन जब ले हैंड हुई, जो वर्ड परमिशन ने मुझे पहले दे दिया था, क्या दे दिया था? जब ये सैटरडे शनिवार आए, बोलो क्या आए? तो मैंने कहा कल आना, तैयारी से आना, विश्वास से आना, कल परमेश्वर आपको छू लेगा और आप फ्री हो जाओगे। क्यों जाओगे? और ये आए, अभी आपने सुना ना, तो जब प्रार्थना हुई, 15 दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, भूख लग नहीं रहे थे, बोलो क्या थी? लीवर में सोज आ गई। क्या आ गई लीवर में? सोज आ गई, सेल कम हो गए, घट गए, खून कितना रह गया? 7 ग्राम। 7 ग्राम रह गया। टाइफाइड बुखार, टाइफाइड बुखार कितना कुछ आ गया। अब उनको पूछो जब ये सारे हालात थे कितनी तकलीफ में थे, बोलो क्या थे? कितनी तकलीफ में थे दे बेचारे। पर उसी दिन ही, हाँ माइक दो, जय मसीह की। पहले अपना नाम बताओ। कलविंदर कौर मेरा नाम है। आपके गांव का क्या नाम है? मालूवाल। मालूवाल, हाँ जी बापा जी। कहाँ पड़ता है ये? बापा जी अटारी रोड वाल। अटारी रोड वाल, हाँ जी। कोई मेन वहां पे कोई एड्रेस वगैरह बताओ। पापा जी चीचा पगना लागे। चीचा पगना लागे, ठीक है। सुनो, जब जिस दिन ले हैंड हुई संडे, आप फिर उसी दिन जाकर आपने खाना खाया, आपको भूख लगी? हाँ जी पापा जी, मैं इतना भी खा के गई। अच्छा, यहाँ से भी खा कर गए? हाँ जी पापा जी। देख लो परमेश्वर की सामर्थ। हाँ, वो लोग हैं कैसे काम करती है। हाँ, अब इनकी सेकंड पोर्ट दिखाने वाली है, ठीक है। सेकंड पोर्ट दिखाओ पहले। तो अभी जो इनका एचपी पहले 7 ग्राम था, अभी जो बता रहे 10 ग्राम और 2 पॉइंट हो गया है, और जो इनका टाइफाइड बुखार था वो भी नॉर्मल है, और जो लिवर में स्वेलिंग थी वो भी नॉर्मल है, और डॉक्टर ने बताया कि जो सेल कम हो गए थे वो भी बिल्कुल सही हो चुके हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुके, और जो इनकी बॉडी में दर्द थी, खाना नहीं खा सकते थे, आज सारी प्रॉब्लम से परमेश्वर ने पूरी तरह आजाद कर दिया, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ग्रेस के द्वारा अपनी महिमा को आज इनके जीवन में प्रकट कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, जोर से जोर से। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? देख लो, जो परमिशन वचन देता है, क्योंकि ये सैटरडे शनिवार बड़े विश्वास के साथ आए कि जो भी मेरे लिए ये परमेश्वर के दास है। कईयों का ऐसा मन होता है, क्यों जी? आप किस मन से आए थे उस दिन? क्योंकि हमने आपको तो बुलाया नहीं, क्योंकि सुनो, इनके जो पति हैं, इनके हस्बैंड हैं, तो वो टीम में वो सेवा करते हैं, तो उस दिन वो आए थे। आप तो शाम को आए थे ना? नहीं पापा जी, नाल ही आए हैं। अच्छा, नाल ही आ गए थे। देख लो, इनको था कि मैं आऊंगी, उनके मुंह से जो वचन परमेश्वर मुझे देगा मैं क्या हो जाऊंगी? बोलो क्या हो जाऊंगी? पर सुनो, एक बात सुनो, पर उस दिन मैंने कोई प्रेयर नहीं की, जबकि ये बड़ी उस दिन तकलीफ में थे ना। हाँ जी पापा जी, जो इतना मैं मोटरसाइकिल बैठी, मैं जो जाने के हाथ इतनी मेरे दर्द हुंदी ही बहुत ज्यादा थे, मैं इन्हां आनी हैप्पी दी हणा हौली हौली चलाओ, मतलब इतनी घबराहट हो रही थी पापा जी, दर्द ही बड़ी हुंदी ही, बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। जे मैं पानी पीनी है तो पानी दे नाल मैनूं आया, मतलब यहां तक अपने घर से आप बड़ी मुश्किल से पहुंचे। हां जी पापा जी, मैं पानी पीनी मेरा ढिड ऐ ही जिवें आफर जांदा, अगर पानी भी पीते तो पेट फूल जाता था। सुनो, तो मैंने उस दिन इन पर कोई प्रेयर नहीं की, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा 5-7 मिनट मैंने उत्साहित किया, मैंने बोला कल आना। अगर ये शरीर में होते तो ये सोचते ना, ये मन खराब करते, देखो जी मैं कितना टाइम कट के कितनी तकलीफ में आई हूँ, ये कह रहे कल है। जैसे संसार में कहावत है ना, भूख होने लगी तो रोटी, ये एक संसार की कहावत है, पर ये जो परमेश्वर का नियम है वो दुनिया से अलग है, वो उसे पता है कैसे काम करना है।
कब करना, कैसे करना, कब होना, किसको पता है? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब मैंने कहा कि कल आना विश्वास और तैयारी से, तो ये तो बेचारे बड़ी तकलीफ में थे। इन्होंने एक बार भी नहीं अपने मुंह से कहा नहीं पापा जी, जैसे कुछ होते ना शरीर में, नहीं जी बड़ा बुरा हाल जी। अंगीकार अपने को, अपने अंगीकार को सही रखा। क्या रखा अपने अंगीकार को? कि नहीं, वो खुदा के दास हैं, जो वो बोल रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं, मैं उस पर उसी वचन को अपनी जिंदगी में लूंगी। मैं मन नहीं ना खराब किया। जैसे कुछ लोग शरीर में होते हैं तो मैं उनको अगर कुछ बोल दूंगा ना तो वो कहेंगे लो जी अहीं तकलीफ चे, इन्होंने क्या प्रार्थना कर दो, ये करते नहीं है जी, ऐसा वो सा ऐसे सोचेंगे वो। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे उस दिन बड़ी तकलीफ में थे, तो ये विश्वास से उसी तरह से वापस चले गए। पर जब कल आए तो परमेश्वर ने आपके सामने अपने उस क्लिप में सुना के वर्ड दिया, तुम इसी हफ्ते में क्या हो जाओगे, और उसी दिन यहां से भी खाना खाकर गए, जबकि 15 दिन नहीं खाया, घर जाकर खाया, सारी सूजन, जितने वो सेल कम थे, लीवर में सोज थी, खून 7 ग्राम, अब कितना है? अब 10 ग्राम 2 पॉइंट। जैसे जैसे जो वचन दिया था आज पूरी तरह इनकी जिंदगी में वो पूरा हो गया है। पर ये कैसे हुआ है? कच्चे मन से, ऐसे नहीं किया जी लो जी क्यों नहीं की थी तुसी, असी मैं तकलीफ चे। तो शरीर में होते तो कुछ लोग ऐसे होते बोल असी नहीं आना उना कल नू, अही नहीं आना उना थे, अही कुते नी तकलीफ च ही तुही, अही नहीं आना कल तो, असी तो हुण उत्थे चले गए। कुछ लोग शरीर में होते तो ऐसे भी होते, असी तो उत्थे चले गए हुण। पर यही चीज है, जब तुम आत्मा में रहते हो ना तो खुदाबंद तुम्हारी सोच से भी वो कई गुना ज्यादा करता, जैसे इनके साथ हो गया। तारीफ कर दो, जोर से तारीफ कर दो, जोर से तारीफ करो। अनोखे कम करीदा